अब शहर के साथ साथ ग्रामीण परिसर में भी कोरोना अपने पैर तेजी से पसार रहा है। फिर भी स्थानीय प्रशासन द्वारा गांव में कोरोना संबंधित नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। रामटेक तहसील के नंदापुरी गांव में साप्ताहिक बाजार में लोग कोरोना से बेखौफ नजर आए। ज्यादातर लोगों ने मास्क पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। कोरोना वायरस पहले विश्व, फिर देश में, राज्यों में, जिले में और अब छोटे छोटे गांव में पहुंच चुका है। तेजी से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके साथ साथ मृत्यु दर भी बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। ऐसी स्थिति में गांव में स्थानीय प्रशासन द्वारा संक्रमण रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाना चाहिए, लेकिन रामटेक तहसील के नंदापुरी गाँव में ग्राम पंचायत के सरपंच ही हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इस महामारी से निजात पाने के लिए नंदापुरी ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा सरकारी पद पर काम करने वाले सचिव और ग्राम पंचायत के अन्य सदस्य कोरोना के रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। हाल ही में नंदापुरी से 2 किलोमीटर दूर नगरधन गांव से एक गर्भवती महिला पॉजिटिव मिली थी, जिसके बाद सोमवार को महिला की सास की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महिला के घर आटा चक्की है, साथ ही वो बाजार में भी जाती थी। ऐसे में संक्रमण बढ़ने का और खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर नंदापुरी गांव में सरपंच द्वारा सब्जी भाजी का साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति दी। बाजार में ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और गिने चुने लोग ही मास्क लगा कर नजर आए। कोविड 19 के नियमों की लोग धज्जियां उड़ा रहे थे। कुछ गाँव के जागरूक लोगों ने बाहर गाँव से आए दुकानदारों को दुकान ना लगाने के लिए सरपंच और उप सरपंच साथ ही सचिव को बोला तो उन्होंने कहा कि इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते और जिसको बाजार में अपनी दुकान लगानी है वे लगा सकते हैं। ऐसा बोलकर गांव वालों को टाल दिया। सरपंच, उप सरपंच और सचिव के इस रवैये पर गांव के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। वैसे देखा जाए तो ग्राम पंचायत प्रशासन का ही काम है कि वे कोरोना के बारे में गाँव में लोगों में जन जागृति करे और रोकथाम के लिए प्रयास करे, लेकिन यह ग्राम पंचायत के सरपंच समेत सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और कोरोना महामारी को निमंत्रण दे रहे हैं। रामटेक से एकता गहरवाल की रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज के लिए।